नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति चैनल में आपको स्वागत करते हैं। स्त्री के बारे में चाणक्य नीति। समझदार लोग कभी भी महिला की सलाह पर काम नहीं करते हैं। सभी घरेलू विवादों का कारण ज्यादातर महिलाएं होती हैं। वो सभी घोर युद्धों और पापपूर्ण कार्यों को भड़काने के लिए भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसलिए साधु लोग स्त्री के प्रतिबिंब अक्ष को देखने से भी कतराते हैं। एक तुच्छ औरत जो लगातार बकबक करती है, दूसरों के हाव भाव पर बहुत ध्यान देती है और लगातार दूसरों पर ध्यान देती है, वह अपनी ईमानदारी को बनाए नहीं रख सकती है। वह अन्य पुरुषों के साथ संबंधों में लिप्त हो जाती है। अगर कोई महिला विभिन्न उपवास करती है, संयम का जीवन जीती है और सभी तीर्थों का दौरा करती है, यहाँ तक अपना दिया हुआ सब कुछ त्याग देती है, तो भी वह दिल की शुद्ध नहीं हो सकती है। मोटिवेशनल अनमोल बातें, चाणक्य नीति और ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एक नीच महिला का समर्थन करने का मतलब पूरे समाज के लिए खतरा पैदा करना है। वांछनीय डिजायरेबल गुणों वाली स्त्री भोर के समय एक पुरुष की माँ के रूप में सेवा करेगी और दिन के दौरान एक बहन की तरह स्नेही होगी। दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र, अविवेकी दास और सर्प पीड़ित घर में रहने से मृत्यु हो जाती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। राजा अग्नि गुरु और स्त्री के समीप रहने से अशुभ फल देते हैं, लेकिन उससे दूर रहने से भी कोई शुभ फल नहीं मिलता। इसलिए हमें माध्य स्थिति चुननी चाहिए, अर्थात हमें उनसे बहुत दूर या बहुत निकट नहीं होना चाहिए। सच्ची पत्नी वह है जो पवित्र और चतुर काम में है, जो अपने पति के प्रति वफादार है, जो अपने पति से प्यार करती है और जो अपने पति के प्रति सच्ची है। यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप।